आज हम लोग क्लास 7 के थर्ड लेसन अलादीन फाउंड द वंडरफुल लैम्प के एक्सरसाइज को एक्सप्लेन करते हैं। सब ध्यान दो इधर, देखिए लिखा हुआ है, लॉन्ग लॉन्ग अगो इन अरबिया देयर लिव्ड अ पुअर बॉय हुज नेम वॉज अलादीन। बहुत समय पहले की बात है, अरबिया अर्थात अरब प्रदेश में एक गरीब लड़का रहता था जिसका नाम अलादीन था। कहाँ रहता था? अरब में। और नाम क्या था? अलादीन। ही लिव्ड इन अ स्मॉल हाउस विथ हिज मदर। वह एक छोटे से घर में अपनी माँ के साथ रहता था। कौन रहता था? किसके साथ रहता था? अपनी माँ के साथ। ठीक है, अलादीन छोटे से घर में अपनी माँ के साथ रहता था। ही वॉज लेजी एंड डिड नॉट लाइक टू वर्क एट ऑल। वह बहुत आलसी था, वह कुछ काम करना नहीं पसंद करता था। कौन आलसी था? अलादीन। सही जवाब है, अलादीन आलसी था और कुछ भी काम करना पसंद नहीं करता था। ही यूज टू स्पेंड हिज टाइम प्लेइंग इन द स्ट्रीट विथ अदर बॉयज। वह पूरा दिन अपना गली के बच्चों के साथ खेलने में व्यतीत कर देता था, गुजार देता था। पढ़ाई में उसे मन नहीं लगता था, कोई काम में उसे मन नहीं लगता था। वन डे ए मैन कैम अलॉन्ग द रोड एंड वॉच्ड अलादीन प्लेइंग। एक दिन की बात है, उस रास्ते से एक आदमी गुजरता है और अलादीन को खेलते हुए देखता है। एक रास्ते से, क्योंकि गली में खेलता था और गली से तो और भी बहुत सारे लोग गुजरते हैं, तो जहां अलादीन खेलता था उस रास्ते से एक व्यक्ति गुजर रहा होता है जो अलादीन को खेलते हुए देखता है। वह हु आर यू ही आस्क। वह जो आदमी गुजर रहा है वह अलादीन से पूछता है, हु आर यू। हु आर यू मतलब तुम कौन हो? आई एम अलादीन रिप्लाइड द बॉय। अलादीन जवाब देता है कि मैं अलादीन हूँ। आई एम योर अंकल सेड द मैन। वह जो व्यक्ति गुजर रहा है वह अलादीन से कहता है कि मैं तुम्हारा अंकल हूँ। दिस इज नॉट ट्रू, यह बात सही नहीं है। द मैन वॉज नॉट अलादीन्स अंकल। वह आदमी अलादीन का अंकल नहीं होता है। ही वॉज अ विक्ड विजार्ड। अलादीन टुक द विजार्ड हिज होम। वह व्यक्ति जो रहता है वह एक दुष्ट प्रवृत्ति का, पापी प्रवृत्ति का, अधर्मी कह सकते हैं प्रवृत्ति का विजार्ड रहता है। विजार्ड मतलब जादूगर। वर्ड मीनिंग याद है ना आप लोग को? वह एक जादूगर रहता है और वह क्या करता है? अलादीन से बात करता है। अलादीन टुक द विजार्ड टू हिज होम। अलादीन जो है उसे क्या करता है? अपने घर ले जाता है। लुक मदर ही सेड हियर इज माय अंकल। वह अपनी माँ से कहता है कि देखो ये मेरे कौन हैं? अंकल हैं। ही हैज कम फ्रॉम अफ्रीका। ये अफ्रीका से आए हैं। अलादीन्स मदर फेस्ट फूड एंड दे ऑल हैड सपर। उसकी माँ अर्थात अलादीन की माँ बाजार से कुछ भोजन के सामान लाती है और रात्रि का भोजन तैयार करती है। सभी लोग रात का भोजन एक साथ करते हैं। अलादीन सेड द विजार्ड आई सेल बाय यू सम ब्यूटीफुल क्लॉथ। देखिए अलादीन से वह जादूगर कहता है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ कपड़े खरीदूंगा। अलादीन एंड हिज मदर वर वेरी प्लीज्ड। यह बात सुनकर अलादीन और उसकी माँ काफ़ी प्रसन्न होती है। द नेक्स्ट डे अलादीन एंड द विजार वेंट टू द मार्केट। अगले दिन अलादीन और वह जादूगर कहाँ जाते हैं? बाजार जाते हैं। द विजार्ड बाउट सम ब्यूटीफुल क्लॉथ फॉर अलादीन एंड अलादीन बिकेम वेरी हैप्पी। वह जादूगर जो रहता है अलादीन के लिए कुछ कपड़े खरीदते हैं और बच्चे का स्वभाव क्या होता है कि अच्छे कपड़े खिलौने मिलते हैं तो प्रसन्न हो जाते हैं। अलादीन भी छोटा रहता है, उसे नए कपड़े मिलते हैं तो वह क्या हो जाता है? खुश हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है। Then they went for a long walk. उसके बाद वे लोग एक लंबी यात्रा पे जाते हैं। They walked along a stony path
वे लोग पथरीले रास्ते से भी गुजरते हैं। अलादीन वॉज टायर्ड, और पथरीले रास्ते पर चलते चलते अलादीन तो छोटा रहता है, वह क्या होता है, थक जाता है। अलादीन कलेक्टेड सम वुड एंड ही मेड अ बिग फायर। तब एक जगह रुकने के बाद अलादीन कुछ लकड़ियों को क्या करता है, इकट्ठा करता है और उससे आग जलाता है। द विजार्ड थ्रू समथिंग ऑन द फायर एंड कास्ट ए मैजिक स्पेल। तब क्या करता है जादूगर, उसमें कुछ वस्तुओं को फेंकता है। किसमें वस्तुओं को फेंकता है, तो आग जो जल रहा है उसमें कुछ वस्तुओं को फेंकता है और कुछ जादू के मंत्र उच्चारण करता है। द ग्राउंड शुक एंड देयर वॉज ए लॉट ऑफ नॉइस एंड स्मोक। और इतना करते ही जमीन क्या होता है, हिलने लगता है। सुख मतलब क्या लिखे थे, हिलना। जमीन हिलने लगता है और चारों तरफ बहुत अलग अलग तरह की ध्वनियां सुनाई देने लगती है, धुआं निकलने लगता है। अलादीन वाज वेरी फ्रिटेंड, सडनली अ होल ओपन इन द ग्राउंड। इस सब बातों से अलादीन काफी भयभीत हो जाता है, डर जाता है और देखता है क्या, उस जमीन में एक बड़ा सा होल खुला है। क्या खुला है, होल खुला, होल मतलब छिद्र, छिद्र जैसा खुला है। एट द बॉटम ऑफ द होल देर वॉज ए बिग स्टोन, और उस होल के नीचे में एक बड़ा सा पत्थर होता है। क्या होता है, बड़ा सा पत्थर होता है। अंडर डैट स्टोन इज अ लैम्प, सेड द विजार्ड। विजार्ड जो रहता है, जादूगर रहता है, वह बताता है कि इस पत्थर के नीचे एक लैम्प है। गो डाउन एंड फैच इट, अंदर जाओ और इसे लेकर आओ। हेयर इज माई रिंग टू कीप यू सेफ, और यह लो मेरी अंगूठी जो तुम्हें सुरक्षित रखेगा। अर्थात अलादीन से उस छेद में पत्थर हटाने के बाद जो छेद बनता है, रास्ता बनता है, उसमें जाने के लिए जादूगर कहता है और उसे यह समझाते हुए भेजता है कि तुम्हें यह अंगूठी देते हैं, यह तुम्हारी सुरक्षा करेगा और अंदर जाकर लैंप लेकर आओ। अलादीन टुक द विजार्ड्स रिंग एंड वेंट इनटू द होल। अलादीन क्या करता है, उस विजार्ड के द्वारा, जादूगर के द्वारा दिए हुए अंगूठी को लेता है और होल में प्रवेश कर जाता है। ही लिफ्टेड द स्टोन एंड सॉ सम स्टेप्स, जैसे वह पत्थर को हटाता है तो देखता है कि वहाँ नीचे सीढ़ी नुमा बना हुआ, स्टेप्स मतलब क्या होता है, सीढ़ी, सीढ़ी नुमा बना हुआ रहता है। अलादीन वेंट डाउन द स्टेप्स, अलादीन सीढ़ी से नीचे जाता है। ही कैम टू अ ब्यूटीफुल गार्डन, और अंदर जैसे ही जाता है तो वहाँ एक सुंदर बगीचा रहता है। क्या रहता है, बगीचा। बगीचा रहता है। इन द गार्डन देयर वेयर ए लॉट ऑफ ट्रीज कवर्ड विथ ब्यूटीफुल ज्वेल्स। जैसे ही वो अंदर जाता है तो सुंदर बगीचा दिखता है और उस बगीचा में देखता है कि अनेक पेड़ पौधे रहते हैं और जो सुंदर सुंदर आश्चर्यजनक आभूषणों से लदे हुए रहते हैं, कवर्ड रहते हैं, उस पेड़ पर बहुत सारा आभूषण रहता है, जैसा कि आपको पिक्चर में दिखाया गया, दिखा रहा है ना, इस पिक्चर में जैसे दिखाया गया, इस प्रकार से अनेक पेड़ रहते हैं और जिस पर सुंदर सुंदर आभूषण लटके हुए रहते हैं। देर वेयर रेड ब्लू ग्रीन येलो एंड वाइट ज्वेल्स, उस पर अनेक तरह के अलग अलग रंगों को, जैसे लाल, नीला, हरा, पीला, उजले, सभी रंगों का आधा माने कि आश्चर्यजनक बहुत सुंदर आभूषण रहता है। दे वेयर ऑल वेरी बिग एंड दे स्पार्क इन द सन, वे सब काफ़ी सुंदर रहता है और सूरज की रोशनी में चमकता है, चमक रहा होता है। At the end of the garden there was a wall, और उस बगीचा के अंत में एक बड़ा सा दीवार रहता है जिस पर क्या रहता है, there was a lamp hanging on the wall, और उस दीवार पर एक लैंप टांगा हुआ रहता है। He put the lamp inside his shirt, then he picked a lot of jewels off the trees in the garden. अलादीन अंदर जाता है, सारे आभूषणों को देखता है, लैंप तक पहुंचता है, लैंप को अपने शर्ट के अंदर रख लेता है और उसके बाद बहुत सारे आभूषण को भी ऊपर से उतार लेता है और अपने ऊपर डाल लेता है, ढक लेता है। देन ही पिक्ड अ लॉट ऑफ ज्वेल्स ऑफ द ट्रीज इन द गार्डन, उस बगीचा से बहुत सारे आभूषण को ले लेता है। ही पुट देम
इन हिज पॉकेट ही पुट मोर ज्वेल्स इनसाइड हिज शर्ट ऑन टॉप ऑफ द लैंप। यहाँ तक कि वो अपने पॉकेट में भर लेता है, जहाँ पे लैंप रखा हुआ उसके ऊपर भी बहुत सारा ज्वेलरी को भर लेता है, रख लेता है। देन ही हरिड बैक टू द विजार्ड, तब वह फिर उस होल से वापस आता है। द ज्वेल वेयर हेवी एंड अलादीन कुड नॉट क्लाइम द स्टेप्स। इतना आभूषण वह ले लेता है कि उतने आभूषण के साथ उसे चढ़ने में ऊपर नहीं हो पाता है, वह काफ़ी हैवी हो जाता है, वजनदार हो जाता है। द विजार्ड आस्क फॉर द लैम्प, जैसे ही अलादीन बाहर आता है तो विजार्ड क्या करता है, लैम्प पूछता है, क्योंकि वह दुष्ट पापी जादूगर रहता है, उसे लैम्प की जरूरत रहती है, सोना चांदी की आवश्यकता नहीं रहती है। इट वॉज अंडर द ज्वेल्स एंड अलादीन कुड नॉट रीच इट, या ज्वेल्स के अंदर है, अलादीन वहाँ तक नहीं पहुँच पाता है। द विजार्ड वॉज वेरी एंग्री बिकॉज ही वॉन्टेड द लैम्प। इतना बात सुनते हैं विजार्ड जो रहता है काफ़ी गुस्सा हो जाता है, क्योंकि उसे लैम्प चाहिए था। ही डिड नॉट हेल्प अलादीन, वह अलादीन की मदद नहीं करता है, क्योंकि जो सीढ़ी से निकल रहा अलादीन उसके पास इतना ज्वेल्स है कि उसको लेकर वह चढ़ नहीं पाता है, और लैम्प क्या रखा था, शर्ट के अंदर रख लिया था, उसे निकाल भी नहीं पाता है। यह बात सुनकर अलादीन का जो वह जादूगर रहता है वह क्या करता है, उसकी मदद नहीं करता है। ही कास्ट ए मैजिक स्पेल एंड द स्टोन केम डाउन एंड शट अलादीन इन द होल, और एक वह फिर जादू के शब्द बोलता है, मंत्र का उच्चारण करता है, और ऐसा करते ही वह होल फिर से क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। अलादीन वॉज अलोन इन द डार्क, अब जैसे ही होल बनता है, बंद हो जाता है, तो अंदर फिर अंधेरा हो जाता है। उस अंधेरे में अलादीन क्या हो जाता है, अकेला पड़ जाता है। ही वॉज वेरी फ्रिटेंट, वह काफ़ी फिर से डर जाता है, भयभीत हो जाता है। ही शाउटेड फॉर हेल्प बट नो बडी हियर्ड हिम, वह पत्थर के अंदर रहता है, वह जोर जोर से चिल्लाता है कि मदद करो, लेकिन उसकी आवाज़ बाहर नहीं निकलती है, कोई उसकी मदद के लिए नहीं आता, क्योंकि आवाज़ ही बाहर नहीं आ पाता है। ही क्राइड एंड रब्ड हिज हैंड टूगेदर, और वह जोर जोर से चिल्लाता है, रोता है, अपने हाथों को रगड़ता है। ही रब्ड द विजार्ड रिंग ऑन हिज फिंगर, और उसी बीच में वह विजार्ड के द्वारा दिए हुए रिंग को भी क्या करता है, एक बार दोबार रब कर देता है, रगड़ देता है। सडनली अ बिग अगली जीन अपीयर्ड, और अचानक एक बहुत बड़ा बदसूरत जीन अपीयर होता है, प्रकट होता है। हु आर यू, क्राइड अलादीन, जीन को देखते ही अलादीन जोर से चिल्लाता है, तुम कौन हो। डैट रिंग इज मैजिकल, रिप्लाइड द जीन, जैसे ही जिन से अलादीन पूछता है कि तुम कौन हो, तो जिन जवाब देता है कि तुम्हारे हाथ में जो अंगूठी है वह जादू वाला है, मैजिकल है, और मैं एक जिन हूँ, आई एम द स्लेव ऑफ द रिंग, व्हाट डू यू वांट, और मैं इस अंगूठी का गुलाम हूँ, तुम क्या चाहते हो। आई वांट टू गेट आउट ऑफ दिस, सैड अलादीन, यह बात सुनकर अलादीन कहता है कि मैं इससे बाहर निकलना चाहता हूँ। ऑल राइट, रिप्लाइड द जीन, और ऐसा सुनते ही जीन क्या कहता है, ठीक है, मैं ऐसा करता हूँ। सडनली द होल ओपन, और अचानक फिर से वह होल जिसके अंदर अलादीन बंद हो जाता है वह क्या होता है, खुल जाता है। अलादीन वाज आउटसाइड इन द सन अगेन, अलादीन फिर वापस बाहर चला आता है। ही वाज वेरी हैप्पी एंड रन होम क्विकली टू हिज मदर, अलादीन बहुत प्रसन्न हो जाता है और अपने घर की तरफ माँ से मिलने के लिए दौड़ पड़ता है, क्योंकि उसके पास लैंप भी रहता है, बहुत सारे सोने भी रहते हैं, और हाथ में अंगूठी भी रहता है।